सो हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक और BGMI की न्यू फ्रेश वीडियो के अंदर। एंड भाई, आज के इस वीडियो के अंदर तुम सब लोगों को मैं बताने वाला हूँ तुम इजीली और कितनी तेजी से लैंड कर सकते हो। भाई हाँ, मतलब लैंडिंग तो सबको आती है, बट हाँ कितनी एकदम फास्ट तरीके से तुम कितना लैंड कर सकते हो जल्दी से, तो वो आज इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। और तरीका बताऊँगा और फुल मेथड के साथ तीन तरीके बताने वाला हूँ। तीनों तरीके अलग अलग चीज़ों के लिए है, कहाँ तुम्हें कैसे लैंड करना है, किस पोजिशन में लैंड करना है, और सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और ज़्यादा भी बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। और आखिर में जाकर तुम्हें लगे कि हाँ चैनल अच्छा है, डिजर्विंग है बंदा, सब्सक्राइब करने के लायक है, तभी करना इस चैनल को सब्सक्राइब। और तुम्हें ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो चाहिए तब सब्सक्राइब जरूर से करना। अभी मैं अपनी जो मेन चीज़ें हैं उनकी ओपेसिटी हाई कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी, ताकि तुम्हें दिख पाएगी मैं किस तरह से अपनी मूवमेंट और जॉयस्टिक किस तरह रखता हूँ। अब यहाँ पे 0 सेकंड्स हो चुके हैं और हम लोग प्लेन में बैठ चुके हैं। अब देखो, इस तरह का रूट आया हमारा इस वाले मैप के अंदर। अब यहाँ पर मैं सोलो खेल रहा हूँ, तो फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। कभी बार होता है कि जो प्लेसेस है, जो हॉट ड्रॉप्स है, जहाँ पे हमें कूदना है, जो हमारी लोकेशन है, वो हमारे प्लेन पाथ के बिल्कुल पास है, जहाँ पे देख सकते हो तुम या तो रोजक कूद सकते हो या अपार्ट्स कूद सकते हो। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा जो सबसे करीबी लोकेशन है प्लेन पाथ के। तो यहाँ पे प्लेन पाथ के सबसे करीबी लोकेशन थी हमारी अपार्ट्स, तो अपार्ट्स कूदेंगे। सेकेंड चीज़, जब भी तुम्हें कूदना है तो यहाँ पे तुम देखो अपना प्लेन ना इस तरह रखना है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो जब भी जंप करोगे ना, जब अपना जो प्लेन का जो शेडो तुम्हें, मतलब अपना प्लेयर का जो शेडो है व्हाइट कलर का, वो इस तरफ रखना है जिस तरफ तुम्हारा लोकेशन हो। अगर वो दूसरी तरफ होता है, दूसरी तरफ वो में मुँह रख लेना है। और जिस तरह मैंने प्लेन रख रखा है ना, उसी टाइप तुम्हें प्लेन रखना है जिस तरफ तुम्हें कूदना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो, मेरे जब भी 700 मीटर बचा, जब मेरा 700 मीटर बचा 706, या तुम्हें कूदना है 750 पर या 700 पे कूदना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट हो गया, 750 पे कूदता ज़्यादा अच्छा रहता, बट कोई ना, तुम्हें 750 और 700 मीटर के बीच में तुम्हें कूद जाना है जब वहाँ पे वो शो करेगा, जैसे मैं तुम्हें बता दिया। अब यहाँ पे देखो, जॉयस्टिक की बारी आती है। जब भी तुम्हें लैंडिंग करनी है तो जॉयस्टिक इस प्रकार रखनी है, 40 या 45 डिग्री के अराउंड यहाँ पे तुम्हें जॉयस्टिक इस तरह रख देनी है, जो कि तुम्हारे एकदम इस तरह रखनी है, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो हमारी है, वो जब भी तुम कूद रहे हो पहले लोकेशन पे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तब यहाँ पे तुम्हें जो अपनी स्क्रीन है, अंगूठा, वो तुम्हें नीचे की ओर कर देना है, जिस तरह एरो में तुम्हें दिखा रहा हूँ राइट साइड में। तो उस तरह तुम एरो नीचे करोगे, ज़्यादा लैंड फास्ट कर पाओगे। उसके बाद जो पैराशूट है उसको ग्लाइड करते करते तुम्हें जल्दी से नीचे आ जाना है। यहाँ पे मेरा रेंडर तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम लोग लैंड कर चुके हैं एकदम फास्ट तरीके से, जो सबसे जेन्युइन तरीका है लैंड करने का और सबसे तेज़ लैंड हम लोग करें। अब तो मैं दिखाता हूँ मैं प्रूफ। तो यहाँ पे हमें मिल चुकी है एक पिस्टल, जिससे हम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और तुम देखो, मेरे सामने बंदा कूदा है, पर मेरा इतना घटिया है कि मैं उसको नहीं मार पा रहा, मैं नूब हूं भाई। तो आगे देखो, वो तो चला गया, कोई बात नहीं। एक और बंदा साइड में तुम्हें ग्लाइड करता हुआ दिख रहा है साइड में, देखो आगे, हाँ यही वाला। और ऐसे बहुत सारे बंदे कूदें, तो सबसे पहले हम लोग ही कूदें, तो इस मेथड से तुम इजीली सबसे पहले कूद सकते हो। पर याद रखना, ये वाला मेथड तभी काम करेगा जब तुम्हारी लोकेशन प्लेन पाथ से नज़दीक हो। सेकंड मेथड की बात आती है। अब कई बार होता है जो हमारा प्लेन पाथ है वो थोड़ा सा लोकेशन से दूर बनता है, तो इस सिचुएशन में तुमको क्या करना है। अब देखो, प्लेन का जिस तरह मैंने रखने को तुम्हें बोला था, जिस साइड तुम्हारी जगह है उस साइड ही जैसे तुम्हें जैसे प्लेन रखना है, वो तुम्हें बता चुका हूँ। तो इस तरह तुम्हें अपना प्लेन देख लेना है। अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे कहाँ पे कूदूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो तुम्हें पोचिंग का आइडिया दिया जाए। पोचिंग की हमारे प्लेन पार्ट से थोड़ा सा 1500 या 1000 मीटर दूर था। अब यहाँ पे देखो, जब भी मेरा 1000 मीटर दूर आया, जैसे कि हम लोग एकदम स्ट्रेट लाइन पे आए प्लेन पाथ के, तो हमने यहाँ पे जंप कर दिया। अब देखो मेरी जॉयस्टिक देखो, अब यहाँ पे जब लोकेशन 1500 या 1000 मीटर दूर हो, तो तुम्हें जब भी जाना है तो ग्लाइड करते हुए जाना होगा। तो इसके लिए तुम्हें जॉयस्टिक एकदम सीधी रखनी है 90 डिग्री के अंदर, और जो अपना फ़ोन है उसके ऊपर थंब को ऊपर की साइड घिस देना है। इससे होगा कि तुम्हारी, मतलब जैसे जिस तरह से मैं कूद रहा ना, उस तरह से तुम कूदोगे। पहली वाली ट्रिक के अंदर तुम्हें नीचे करना है अपना अंगूठा, जिससे तुम फास्ट लैंड कर पाओ। दूसरी वाली ट्रिक के अंदर तुम्हें अपना जो अंगूठा है वो ऊपर की साइड कर देना है अपवर्ड्स। अब यहाँ पे देखो, मेरे जो ट्रिक है उसी के हिसाब से एक बंदा और कूद रहा है साइड में, तुम्हें दिख गया होगा। अब यहाँ पे जब भी तुम अपनी लोकेशन पे आ जाओ ऊपर की साइड, जब तुम्हें नीचे लोकेशन दिख रही हो अपनी, तो जो फर्स्ट वाली ट्रिक से मैं तुम्हें बताया था, 45 डिग्री एंगल पे जिस तरह तुम्हें रखनी है जॉयस्टिक, और जल्दी से सामने की तरफ अपना पैराशूट सीधा कर देना है। इससे तुम फास्ट तरीके से एकदम नीचे लैंड कर जाओगे, वो भी 2x स्पीड के अंदर। और जो तुम्हारी स्पीड लैंडिंग होती है ना, लैंडिंग की स्पीड, वो होती है जो मैक्सिमम जो जाती है वो होती है 135 किलोमीटर, उससे ऊपर तुम्हारी स्पीड नहीं जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे सामने एक बंदा कूदा था।
अब थर्ड मेथड जो हमारा लास्ट मेथड है, कई बार होते हैं जो बंदे होते हैं रैंक पुशर जिनको कॉन्केट जाना होता है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा वो तुम इस वीडियो में देखो। अब कई बार होती है जो लोकेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन पाथ से दूर होती है, उस वजह से ये जो फर्स्ट और सेकेंड मेथड है वो यूज़ में नहीं आता। जो थर्ड लोकेशन मतलब जो थर्ड है मेथड, उससे तुम दूर वाली लोकेशंस पे जा सकते हो, वहाँ पे इजीली कैंप कर अपना कॉन्कर कर सकते हो। जो हमारी लोकेशन है, पहले तो मैं सोच रहा था मिल्टा पावर के करीब बताऊं, फिर मैंने सोचा चलो रोजॉक भी है तो रोजॉक के साइड में बताता हूं। और जिन पे लोकेशन पे मैं मार्क कर रहा हूं, प्रिमोर्स वगैरह मिल्टा पावर, तो वहां पे भी तुम कूद सकते हो इन चीज़ों से, यासनाया पोलनाया भी कूद सकते हो इसी ट्रिक से जो कि मैप में अभी मेरे प्लेन पाथ में शो हो रही है। अब इसको करने के लिए तुम्हें जो मैंने प्लेन का बताया था, जिस डायरेक्शन में तुम्हारी लोकेशन है उस डायरेक्शन के हिसाब से तुम्हें इस तरह अपना प्लेन रख लेना है, तो उससे तुम्हारा एकदम सीधा मुंह वहाँ पे उस डायरेक्शन की ओर ही खुलेगा। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्लिप को, और देखो अब यहाँ पे जब मेरा 1200 मीटर दिखा रहा था रोजॉक के लिए, तब मैंने यहाँ पे अपना जो एकदम जो स्ट्रेट होता है वो बन रहा था, एकदम देखो स्ट्रेट लाइन थी मेरी। तो यहाँ पे मैंने जंप बटन दबा दिया, और जंप बटन दबाते सीधा जो हमने सेकंड ट्रिक में चीज़ करी थी वही तुम्हें वापस से करनी है। तुम्हें एकदम बस सामने 90 डिग्री एंगल पे अपना चला जॉयस्टिक कर देनी है, और जो हमारी जो वो होता है अंगूठा साइड में राइट साइड के अंदर वो ऊपर कर देना है, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ आ गया होगा, और इसी प्रकार से तुम्हें यहाँ तक जाना है। अब जहाँ पे तुम्हारा 500-600 मीटर दिखाई दे जाए, तो देखो मेरा 500 मीटर दिखाई दे रहा था रोजॉक के लिए, तो अभी सीधा मैं नीचे जा सकता था, बट मुझे रोजॉक, मैंने सोचा रोजॉक तो आ चुके हैं, इजीली था रोजॉक आना, तो बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आगे जाया जाए। तो इसके लिए तुम्हें ना अपना ग्लाइड मतलब जो जंप वाला क्या बोलते हैं पैराशूट वाला बटन है, पैराशूट वाले बटन को तुम्हें दबा देना है, और इस तरह से तुम्हें ग्लाइड करते करते आगे जाना है, और थोड़ी बीच बीच में ना जॉयस्टिक तुम्हें आगे आगे धकेलते रहनी है ताकि तुम्हारी दिक्कत ना हो बिल्कुल भी, और एकदम फास्ट फॉरवर्डली तुम आगे जा सको। रोजॉक तो मैं कब का आ चुका था, फिर मैं सोचा चलो आगे भी जाए, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैं कितनी आगे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं सामने वाली रोड तक पहुँचने की ट्राई करता हूँ, और फाइनली मैं ऑब्वियसली पहुँच जाता हूँ इस ट्रिक से। तो देखना हम लोग कितनी दूर आते हैं। अब देखो इस ट्रिक से तुम काफ़ी ज़्यादा दूर दूर जा सकते हो लोकेशन से, तो इस ट्रिक से ना तुम ज़्यादा मैक्सिमम 2500 मीटर या 2000 मीटर तक ही जा सकते हो, जो मतलब जो एकदम लास्ट तुम पैराशूट से ग्लाइड कर करके 2500 मीटर एंड है भाई। उससे ज़्यादा अगर तुम्हारा लक हुआ तो 3000 मीटर भी कभी ना कभी तो 2900 ऐसे कुछ टच हो जाएगा। तो देखो हम लोग इतना रूट तय करके आए हैं प्लेन पाथ से। अब तुम्हें मैं इसको मीटर्स में दिखाया था कितना मीटर हमने ग्लाइड करा है, तो यहाँ पे देख सकते हो 2100 करके हमने कुछ करा है, मतलब 2184 किलोमीटर जो है हमने वो ट्रैवल करे हैं प्लेन पाथ से यहाँ तक, तो इट्स अ बिग नंबर। और हाँ भाई इतना दूर आ चुके हैं हम लोग, तो भाई देख लो इतना तुम आ सकते हो ईजिली, और 2500 मीटर भी आ सकते हो, 2500 मीटर्स। तो यही था आज की वीडियो में, अगर तुम्हें पसंद आया, तुम्हारे काम की चीज़ लगी, तुम्हें लगा कि हाँ भाई ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई है ये हो सकता है भाई किन लोगों को पता हो, तो वो लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में अरे यार ये तो सबको पता होता है। बट ये देखो वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ मैं जिन लोगों को नूब है और वो नया नया BGMI स्टार्ट करते हैं, उन लोगों को ये सारी ट्रिक्स नहीं पता रहती, तो उनके लिए वीडियो है। तो कृपया करके ऐसे बचकाने कमेंट मत करना कि हाँ भाई हमें पता है, तो पहले से ही पता था, हम नूब नहीं है। तो हाँ भाई चलो, तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स अगर पसंद लगी तो तुम इस चैनल को, अगर तुम सोचते हो कि हाँ बंदा डिजर्विंग है, अच्छा कंटेंट बना रहा है, रोज़ डेली वीडियोस अपलोड करता है, तो तुम इस चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, लाइक एम रखते हैं हम लोग 20 लाइक्स का, तो उम्मीद करता हूँ जल्दी से करा दोगे। चलो मैं मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।